बिल्कुल स्टूडेंट, आज हम अपवर्तन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो है प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाया था। अब आज हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। इसके भी दो नियम है, प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम थे, प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम है। एक कोर्स में बहुत आता है, दूसरा नियम आपसे पेपर में बहुत ज़्यादा रूप में पूछा जाता है। देखो क्या क्या इसमें होता है, आपतित किरण, ये देखो आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों तरके एक ही बिंदु में होते हैं। क्या कहेंगे? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या कह रहा है? इन्हीं दो माध्यमों के लिए प्रकाश का अपवर्तन एक माध्यम के लिए नहीं होता, दो माध्यम के लिए होता है। प्रकाशन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने माध्यम से क्या हो जाती है? बिजली जाती है। प्रकाश का अपवर्तन है तो इन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए, माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण आएगी ज्या। ज्या का मतलब साइन कितना डिग्री होते हैं, ये कितना डिग्री रेशियो होते हैं, छह रेशियो होते हैं इसमें। ज्या का मतलब साइन ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दिया, आपतन कोण आएगी ज्या तथा अपवर्तन कोण आर, अपवर्तन कोण क्या होता है आर की ज्या, जो साइन आएगा का अनुपात एक नितांक होगा। इसको हम कैसे भी नहीं मैच करते हैं, साइन आई आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या का अनुपात एक नियतांक होगा। नियतांक का मतलब एम, पहले नियतांक लिखना, इसको ऐसे भी नियतांक का मतलब यहाँ कण कहाँ से आ रही है, एयर से वाटर में आ रही है, एयर ली है, इसको कहते हैं वर्तमान। साइन आई बटे साइन आर कितनी ए एन डी, एन के प्रॉपर था कितनी ए एन डी, इसको कहते हैं वायु के सापेक्ष, सॉरी यहाँ वाटर पे ला ली थी तो ए एन डब्ल्यू, इसको लिखेंगे लिख लेना ए एन डब्ल्यू बराबर क्या होगा, इसको लिखेंगे एयर के सापेक्ष का बनना वाटर का बनना, एयर के सापेक्ष वाटर का बनना। अगर यहाँ पे हम ग्लास कर देते तो ए एन जी हो जाता, क्या हो जाता ए एन जी, क्या हो जाता एयर के सापेक्ष ग्लास का अवघटना, इसको कहते हैं स्नेल का नियम। नोट कर लेना यहाँ पे, इसको स्नेल का नियम कहते हैं। बहुत फेवर पूछा जाता है स्नेल का नियम लिखिए या अपवर्तन का दूसरा नियम लिखिए, तो आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे इससे, इस फार्मूले से, ये इस फार्मूले से आपके एक दो सवाल में पेपर में आ सकते हैं। धन्यवाद।